हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से आईटीआई वालों के लिए कुल 3115 पदों पे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म निकल कर आ चुका है और आप सभी के लिए अच्छी खबर है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप लोगों को सारा जानकारी प्रोवाइड करूँगा। गाइस, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप लोग मेरे वेबसाइट पर चले जाइएगा www.ita.education.com पे। यहाँ पे ITI अप्रेंटिसशिप नौकरी का सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता अप्रेंटिसशिप फॉर्म 2022। इस पर क्लिक करके आप लोग PDF डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ से ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे जब इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। साथ ही साथ सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। 16,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। तो गाइस, यहाँ पर बहुत ही बम्पर भर्ती है 3115 पदों पर। अगर आप लोग रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। अब चलिए, मैं आप लोगों को फुल नोटिफिकेशन के साथ में सारा डिटेल प्रोवाइड करता हूँ। तो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है, और इनका नोटिस नंबर देख सकते हैं RRCER एक्ट अप्रेंटिसिस 2022-23, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल कोलकाता। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया है इनके वेबसाइट पे 23 तारीख को और ये फॉर्म भरा जाएगा 30 सितंबर से और लास्ट डेट रहेगा ऑनलाइन आवेदन करने का 29 अक्टूबर 2022। तो लगभग आपको एक महीना समय मिल रहा है फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करने का, और ये सभी फॉर्म जो होगा ये आप लोग का ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा इनके पोर्टल पर। तो देखिए, यहाँ पर इनका अलग अलग यूनिट की तरफ से यहाँ पर अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी है, जैसे कि ये हावड़ा डिवीजन का है। तो यहाँ पर ट्रेड वाइज यहाँ पर टोटल सीट देख सकते हैं, फीटर में 281 है, वेल्डर में 61 है, मैकेनिक MB में 9 है, मैकेनिक डीजल में यहाँ पे 17 है, मशीनिस्ट में 9 है, कारपेंटर में 9 है, पेंटर में 9 है, लाइनमैन जनरल में 9 है, वायरमैन में 9 है, RNAC में 17 है, इलेक्ट्रीशियन में 220 है, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में 9 है। टोटल यहाँ पे 659 है आप लोगों का, कौन सा डिवीज़न में, हावड़ा डिवीज़न में। तो यहाँ पे अलग अलग यूनिट वाइज है, जैसे कि लिलुआ वर्कशॉप में देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। मैं टोटल ओवरऑल सीट बता दे देता हूँ, आप लोग अपना यहाँ पे ट्रेड के अनुसार PDF डाउनलोड करके सीट काउंट कर लीजिएगा। तो देखिए, ये लिलुआ वर्कशॉप में टोटल सीट देखिएगा तो 612 है, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँ सियालदह डिवीज़न की, तो यहाँ पे टोटल सीट है सियालदह डिवीज़न में आप लोग का 440। ओवरऑल गाइस 3115 पोस्ट है सभी को जोड़िएगा। तो उसके बाद ये कंचरा पारा वर्कशॉप में देखिएगा तो यहाँ पे टोटल सीट आप लोग का कितना है, यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, 187 पोस्ट है। मालदा डिवीज़न में यहाँ पे टोटल आप लोगों का कितना है, 138 है। आसनसोल डिवीज़न में यहाँ पे अलग अलग ट्रेड का कितना है, 412 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे जमालपुर वर्कशॉप में यहाँ पे कितना है आप लोगों का, 667 है। तो ये अलग अलग यूनिट है, अलग अलग ट्रेड के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। टोटल आप लोग यहाँ पे एक बार PDF को डाउनलोड करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ओवरऑल सीट बता दिया हूँ, बाकी यहाँ पे जो जो ट्रेड का नाम है यहाँ पे ट्रेड आप लोग को दिया गया है सामने में, और अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट को दर्शाया गया है। तो ये हो गया कि टोटल नंबर ऑफ सीट अलग अलग यूनिट वाइज। तो उसके बाद यहाँ पे एज की बात कर लेता हूँ, तो मिनिमम 15 साल में आ गया और मैक्सिमम 24 साल में आ गया है। उसके बाद एज में छूट है, वो यहाँ पे अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट को 5 साल और OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल, और जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है PWBD उनको 10 साल का यहाँ पे एज छूट मिल जाएगा, एज पर जो गवर्नमेंट का नियम है उनके अनुसार यहाँ पे छूट मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करूँ गाइज, तो यहाँ पे आप लोग का 10th पास रहना चाहिए आप लोग का यहाँ पे विथ मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि आप लोग का जो 10th में 50% मार्क रहना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और साथ ही साथ आप लोग का ITI पास रहना चाहिए, जो ट्रेड ऊपर में मेंशन है वो ट्रेड में NCVT या SCVT बोर्ड में। तो यहाँ पे गाइज ध्यान देना है, 10th में आप लोग को तो मिनिमम जो है आप लोग को 50% मार्क्स रहना चाहिए, अगर 50% से कम है तो आप लोग फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, और यहाँ पे ITI पास रहना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड में, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पे जो इन ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे तो ये अगर 8वीं पास है तो भी भर सकते हैं, लेकिन 8वीं के पास के साथ साथ आप लोग को ITI भी रहना चाहिए NCVT या SCVT बोर्ड में। ओनली यहाँ पे जो 6 ट्रेड है इस ट्रेड में आप लोग ITI रहना चाहिए, अगर 10वीं नहीं, अगर 8वीं के बाद आप लोग ITI किए हैं तो ये ट्रेड के लिए भर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में ITI पास रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर 10th पे अप्लाई करेंगे तो 50% मार्क रहना चाहिए, और ये जो 6 देख रहे हैं सिर्फ इनके लिए ही 8वीं प्लस ITI रखा गया, बाद बाकी जितने भी अदर है सभी में 10th में आ गया है प्लस ITI। 10th में 50% मार्क और ITI पास रहना चाहिए कोई भी NCVT या SCVT बोर्ड से जो एफिलिएटेड है वहाँ से। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस गाइस, यहाँ पे आप लोग का मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट आप लोग का मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल आप लोग का हो जाएगा। एप्लीकेशन फी आप लोग का जो जनरल OBC BWS को आप लोग को 100 रुपया देना होगा फीस के तौर पे, और SC ST PWD वुमेन को यहाँ पे कोई भी फीस नहीं देना है, ये आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे फीस, और ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा इनके पोर्टल पे
और यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो मेरे वेबसाइट पे चले जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। जब इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को सूचना दे दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से। साथ ही साथ सभी से रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा गाइज। इसका लिंक एक्टिवेट होगा 30 सितंबर को, तो आप लोग के लिए अच्छी भर्ती है। और देखिए यहाँ से रेलवे से अप्रेंटिसशिप कीजिएगा, तो यहाँ पे इन्होंने बेनिफिट भी बता रखा है कि ये जो है यहाँ पे कि आप लोग को आने वाले समय में जब इसका देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 20% जो वैकेंसी निकलेगा वो आप लोग के लिए यहाँ पे रिफरेंस दिया जाएगा, गिविंग रिफरेंस जो अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं। और साथ ही साथ अभी आप लोग को कुछ और भी चेंजेस हुआ है, जैसे कि जो ग्रुप डी में होता है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें भी छूट मिलेगा, जो एक और टेस्ट होता है जो रनिंग का वेट लेकर दौड़ना होता है वो भी छूट मिलेगा। तो ये सभी जो है रेलवे करने से अप्रेंटिसशिप फायदा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया ये चीज़ मेंशन किया गया है, यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट पे आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज जो कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी भर्ती है, टोटल 3115 पदों पे आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा अगर आप लोग रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। तो बम्पर भर्ती निकल कर आ रही है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से। धन्यवाद।